डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जाना था कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है इसका अगर पार्टिकल्स का बात करें तो इसका जो पार्टिकल्स होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होता है। एंड अगर बात करें सस्पेंशन से छोटा होता है। मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसका जो पार्टिकल्स होता है वो सॉल्यूशन मीन्स ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में होता है, इसका पार्टिकल्स का जो साइज होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का जो टाइप्स होता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सपोज करिए कि आप एक ग्लास लेते हैं, जैसे सपोज करिए आपने ये ग्लास लिया, इसमें आपने क्या किया तो इसमें आपने मिल्क भर लिया। तो अब ये जो मिल्क है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्यों हम लोग कैसे जाने कि ये मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन है? क्योंकि इसका पार्टिकल्स को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका पार्टिकल्स हम लोगों को सॉल्यूशन का पार्टिकल्स एंड जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स का बिटवीन में इसका पार्टिकल्स का साइज होगा। अब ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैसे है? ऐसे दिखने में मिल्क जो है हम लोगों को देखने में तो क्या लगता है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, बट अगर इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि इसमें जो फैट का पार्टिकल्स है क्या, तो इसमें जो आपका फैट का पार्टिकल्स है, प्रोटीन का पार्टिकल्स है क्या, तो प्रोटीन का पार्टिकल्स है क्या, तो प्रोटीन का पार्टिकल्स है। एंड इसमें जो कुछ विटामिन्स रहता है उसका भी पार्टिकल्स है ना। उसको अगर आप देखेंगे तो सभी जगह आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलेगा, मतलब फैट का पार्टिकल्स कहीं पर ज़्यादा होगा तो कहीं पर विटामिन्स का पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, तो कहीं पर इसमें जो अन्य चीज़ें हैं उसका पार्टिकल्स आपको ज़्यादा मिलेगा। अब जैसे देखिए वाटर जो है, वाटर क्या चीज़ का मिक्सचर है? तो वाटर जो मिक्सचर है वो आपको वाटर ये मिल्क जो मिक्सचर है वो क्या चीज़ का मिक्सचर है? तो वाटर में आपको क्या मिला हुआ रहता है? तो फैट मिला हुआ रहता है, विटामिन मिला रहता है एंड आपको प्रोटीन का भी पार्टिकल्स इसमें रहता है। तो ये सभी मिलकर मिल्क बनाता है। एंड ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है? तो ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब देखिए अगर आप क्या करेंगे, अगर आप क्या करें, सपोज़ करिए कि आपके पास में आपके पास में एक ग्लास है। इस ग्लास में आपने क्या भर रखा है? तो इस ग्लास में आपने मिल्क डाल रखा है। क्या डाल रखा है? तो मिल्क डाल रखा है। क्या डाल रखा है? ये मिल्क है। अगर इधर से अगर यहाँ से अगर आप टॉर्च जलाएं, यहाँ से क्या जलाएं, तो टॉर्च को अगर आप जलाएंगे तो फिर इससे जो लाइट निकलेगी तो ये लाइट यहाँ पर विजिबल होगा, ये लाइट यहाँ पर क्या होगा, विजिबल होगा। और ये लाइट को क्या करेगा, तो स्कैटर करेगा। लाइट को क्या करेगा? स्कैटर करेगा, मतलब यहाँ से आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर मेनली जानते हैं हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। जैसे देखिए कोलाइडल सॉल्यूशंस का जो टाइप है उसके बारे में जानेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का कुल टोटल का अगर बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब टोटल 8 टाइप होता है। अब सभी को बारी बारी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो क्या होता है। अब जैसे देखिए सबसे पहले आते हैं,
कि सॉलिड सॉल क्या, तो सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका, आप क्या करते हैं सॉलिड में सॉलिड को मिलाते हैं। अब जैसे देखिए इसमें, इसको जानने से पहले थोड़ा सा डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपके पास में क्या था, ये इस तरह से आपके पास में क्या है, तो एक ग्लास है। इस ग्लास में आपने क्या रखा है, तो मिल्क को फिल करके रखा है। अब इस मिल्क में क्या क्या चीज़ का पार्टिकल्स है, तो इस मिल्क में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में फैट का पार्टिकल्स है, विटामिन का पार्टिकल्स है, प्रोटीन का पार्टिकल्स है ना, ये सब चीज़ का पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर अब जानने वाली बात ये है कि ये सब चीज़ किस में मिला हुआ है, तो ये सारा का सारा चीज़ जो मिला हुआ है तो वो वाटर से मिला हुआ है, किससे, वाटर में मिक्स है। अब यहाँ पर जानना है कि ये वाटर डिस्पर्सन मीडियम है या ये डिस्पर्सन मीडियम है। अब जैसे देखिए फैट, इस फैट का अगर बात करें तो ये किस में मिक्स है, तो ये वाटर में मिक्स है। तो एक तरह से यहाँ पर ये वाटर क्या हो गया, डिस्पर्स मीडियम हो गया, क्या, डिस्पर्स डिस्पर्सन मीडियम हो गया। एंड इसमें जो ये फैट पार्टिकल्स है ये डिस्पर्स्ड फेस हो गया। कहने का मतलब डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेस डिसॉल्व रहता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर ये विटामिन है, ये विटामिन, विटामिन का पार्टिकल्स किस में होगा, तो वाटर में घुला हुआ होगा। तो फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसमें ये जो डिस्पर्सन मीडियम होगा, वाटर क्या होगा, तो डिस्पर्सन मीडियम होगा। अब वहीं पर ये जो विटामिन है हमारा, ये क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे। अब आगे जैसे देखते हैं, जैसे देखिए अगर आपका डिस्पर्स्ड क्या, अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों की अगर बात करें, अगर डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या है, अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्स्ड फेज भी अगर आपका सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज भी अगर आपका सॉलिड है, मीन्स सॉलिड में अगर सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं तो वो किस प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा, तो वो जो बनाएगा हमारा सॉलिड सोल बनाएगा, क्या, तो सॉलिड सोल बनाएगा। एंड अगर हम लोग बात करें कि डिस्पर्सन मीडियम, जैसे देखिए जैसे अगर देखें, अगर हमारे पास में डिस्पर्सन मीडियम, सबसे पहले तो हमने क्या किया, तो सॉलिड में सॉलिड को मिक्स किया। अब अगर सॉलिड में लिक्विड को अगर मिक्स करें, तो सॉलिड में लिक्विड को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारे पास में जो मिलेगा वो जेल मिलेगा, क्या मिलेगा, जेल मिलेगा। जैसे कि देखिए आपके पास में जो जेली है वो क्या है, तो सॉलिड में लिक्विड मिलाया हुआ है, सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड मिलाया हुआ है, तो मतलब इसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, तो इसमें डिस्पर्सन मीडियम आपका सॉलिड हो गया। एंड डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया, तो वो लिक्विड हो गया। कहने का मीन्स ये हो गया कि इसमें अगर हम लोग डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज का बात करें, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया इसमें, तो डिस्पर्सन मीडियम जो है वो हमारा हो गया सॉलिड, क्या हो गया, सॉलिड। अब इस सॉलिड में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लिक्विड मिला रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज में थोड़ा सा लिक्विड मिला रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो जेल मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि जेली जो है, जेली में ज़्यादा क्या होता है, सॉलिड वाला पार्ट होता है या लिक्विड वाला पार्ट होता है, तो ज़्यादातर उसमें तो सॉलिड वाला पार्ट होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, तो जेल कहेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल्स है, जैसे जेली, चीज़, बटर, कर्ड, सू पॉलिश, इस सारा का सारा इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे ऊपर में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था कि अगर हम लोग सॉलिड में, मतलब डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या हो, अगर सॉलिड हो
तो फिर हम लोगों को सॉलिड सॉल मिलता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है कलर्ड जेमस्टोन्स। कलर्ड जेमस्टोन, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ स्टोन्स होता है जो कि कलर्ड होता है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी जो बनाया जाता है उसमें कलर्ड जेमस्टोन्स लगाया जाता है। मतलब पत्थर ऐसा ऐसा स्टोन्स लगाया जाता है जो कि कलरफुल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कलर्ड जेमस्टोन्स। तो वो कलर्ड जेमस्टोन्स एक्चुअली में बनता कैसे है, तो उसमें जो होता है डिस्पर्स्ड फेज़ क्या होगा, तो वो भी सॉलिड होगा एंड डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड होगा। जैसे मिल्की ग्लास की अगर बात करें, जैसे देखिए आपने कुछ ग्लासेस को देखा होगा कि जिसके अंदर में ऐसा महसूस आपको ऐसा दिखता होगा कि उसके अंदर में क्या है कि कुछ छोटा छोटा कलर्ड, जैसे कि आपने अगर कांचा देखा हो जिसको कि गुल्ली बोला जाता है, गुल्ली के अंदर में अगर आप देखेंगे, कांचा के अंदर में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ उसके अंदर में तैर रहा है, कुछ ऐसा चीज़ है जिसको जमा दिया गया और वो कलर्ड होता है, तो उसी को बोला जाता है मिल्की ग्लास। तो ये कलर्ड जेम स्टोन्स हो गया एंड मिल्की ग्लास हो गया। अगर वहीं सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, सॉलिड में सॉलिड को मिक्स किया, फिर सॉलिड में लिक्विड को जब मिक्स किया तो जेली मिला। अब अगर सॉलिड में गैस को मिक्स कर दें तब क्या मिलेगा, तो वो हमको मिलेगा सॉलिड फॉर्म। मीन्स इस बार जो है हमारा डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है एंड डिस्पर्स्ड फेज क्या है, तो गैस है। तो इससे हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा सॉलिड फॉर्म। मिलेगा क्या सॉलिड फॉर्म, जैसे प्यूमिक स्टोन, फोम का अगर बात करें, रबर, स्पंज। जैसे देखिए स्पंज, स्पंज क्या है, स्पंज सॉलिड है, उसमें क्या फंसा हुआ, एयर फंसा हुआ है, तो स्पंज क्या हो गया आपका, तो स्पंज हो गया सॉलिड एंड उसमें जो एयर आपका फंसा हुआ है वो क्या है, तो गैस। तो इस तरह से आपने देखा कि सॉलिड में क्या है, तो गैस फंसा हुआ है, तो ये जो आपका हो गया क्या, सॉलिड फॉर्म का वो एग्जांपल हो गया। रबर का भी बात करें अगर, तो रबर भी कुछ इसी तरीके का होता है, ये भी क्या है, तो सॉलिड फॉर्म है। अब हम लोगों ने एक बार ये देखा कि एक बार सॉलिड में सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं, एक बार सॉलिड में लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, एक बार सॉलिड में गैस को मिक्स कर रहे हैं। अब आते हैं लिक्विड पे, मतलब इस बार हम लोग डिस्पर्जन मीडियम किसको बना रहे हैं, तो लिक्विड को। तो चलिए एक बार आप क्या करिए, लिक्विड में अगर सॉलिड को मिलाइएगा, तो लिक्विड में अगर आप सॉलिड को मिलाइएगा तो इससे आपको जो मिलेगा वो होगा सॉल। उसको क्या कहेंगे, तो सॉल कहेंगे। तो जैसे अगर आप स्टार्च सॉल्यूशन ले, गोल्ड सॉल लें, क्या गोल्ड सॉल ले, जैसे देखिए क्या करते हैं आप लिक्विड में गोल्ड का जो मेल्टेड वाला पार्ट हो उसको जब मिला देते हैं तो उससे हम लोगों को क्या मिलता है, तो सॉल मिलता है। जैसे वाइट ऑफ एन एग, एग का जो वो वाइट वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, वो भी हमारा सॉल ही है। या पेंट का बात करें, क्या तो पेंट का बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये पेंट होगा, ये क्या होगा यहाँ पर, तो पेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर इस बार हम लोगों ने क्या किया था, लिक्विड में सॉलिड को मिलाया था एंड इस बार क्या करते हैं, लिक्विड में लिक्विड को अगर मिलाते हैं, तो लिक्विड में अगर लिक्विड को मिलाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा इमल्सन। इमल्सन मीन्स मिल्क। मिल्क इमल्सन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। या ले लें फेस क्रीम, ये भी हमारा क्या है, इमल्सन ही है। कॉड लिवर एयर मीन्स कॉड लिवर ऑयल का मीन्स हो गया मछली का जो तेल होता है, फिश का जो ऑयल होता है उसी को कॉड लिवर ऑयल होता है, ये क्या होता है, तो ये भी हमारा इमल्सन होता है। तो इमल्सन कैसे बना, तो लिक्विड में लिक्विड को। अब लिक्विड में अगर हम लोग गैस को, लिक्विड में क्या करें, गैस को मिक्स कर दें, तो हम लोगों को मिलता है फॉर्म, क्या तो फॉर्म मिलता है। अब क्या है, तो फॉर्म मिला लिक्विड में अगर हम लोगों ने क्या किया, गैस को मिक्स कर दिया। तो जैसे फोर्थ है, जैसे झाग है, जैसे सपोज करिए कि सोप लेदर है, तो सोप लेदर क्या है, आपने लिक्विड में, वहाँ पर लिक्विड में क्या फंसा हुआ है, तो गैस। जैसे आप जो अपने शरीर में जो साबुन लगाते हैं तो आपके बॉडी से क्या निकलता है, तो झाग निकलता है। तो एक्चुअली में वहाँ पर क्या है कि लिक्विड में क्या फंसा हुआ है, आखिर वो जो झाग में जो छोटा छोटा बुलबुला बनता है क्यों बनता है, इसके पीछे का बुलबुला बनने का पीछे का रीजन ही है कि जो गैस है वो लिक्विड में फंसा हुआ है।
उसी तरीके से जब आप सर्फ को पानी में घोलते हैं तो फिर क्या बनता है, तो सर्फ को जब पानी में घोलते हैं तो देखते हैं उससे छोटा छोटा बुलबुला निकलता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि लिक्विड में क्या मिला हुआ है, तो लिक्विड में गैस फंसा हुआ है, इसी कारण से वहाँ पर पानी में बुलबुला बना है। तो ये हो गया। तो सबसे आपने देखा कि लिक्विड में गैस बनाया, अब क्या करिए, गैस में अगर आप सॉलिड को, गैस में सॉलिड को मिक्स करते हैं, मतलब इस बार जो हम अपना डिस्पर्जन मीडियम किसको बना रहे हैं, तो गैस, जैसे एयर, एयर में क्या होता है बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स रहता है, तो हम कह सकते हैं कि गैस में सॉलिड मिक्स है, मीन्स गैस में क्या मिक्स है, तो सॉलिड मिक्स है, तो उसको बोला जाता है सॉलिड एरोसोल। क्या, तो सॉलिड एरोसोल, देखिए स्मोक, स्मोक में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स होता है, मतलब ज़्यादा, मतलब इसमें स्मोक में छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है डस्ट का, या बोल लें राख का, उसी प्रकार से होता है डस्ट स्टॉर्म, मीन्स एयर में डस्ट स्टॉर्म का मतलब क्या हो गया, धूल कण वाला आंधी, है ना। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो धुआं है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं क्या है, वो भी सॉलिड एरोसोल का एग्जाम्पल है। एंड अगर बात करें हम लोग कि गैस में अगर लिक्विड को मिला दें, गैस में क्या करें, तो लिक्विड को मिला दें, जिसे तो हम लोग को मिलेगा का एरोसोल। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि एक होता है सॉलिड एरोसोल, जो कि गैस में सॉलिड मिलाने से होता है, और एक होता है एरोसोल, जो कि गैस में लिक्विड को मिलाने से होता है। जैसे ठंड के दिनों में क्या होता है, फॉग आ जाता है, तो इस फॉग का पीछे का रीज़न क्या है, इस ये फॉग क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, ये फॉग जो एग्जाम्पल है कि गैस में क्या मिक्स हो गया है, तो लिक्विड मिक्स हो गया है। जैसे क्लाउड, क्लाउड भी आपका फॉग ही है। एंड मिस्ट, स्प्रे, जैसे स्प्रे आप कहीं पर जा रहे होते हैं तो आप अपने बॉडी में क्या करते हैं, तो स्प्रे करते हैं, या सपोज़ करिए कि अगर आप स्प्रे कर रहे हैं कहीं पर, तो जैसे किसान लोग क्या करता है, फसल में स्प्रे करता है, अपनी फसल में स्प्रे करता है, तो क्या होता है, तो वहाँ पर एयर ज़्यादा होता है, एयर क्या होता है, ज़्यादा होता है, एंड लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, तो एरोसोल कहेंगे। तो आपको शायद सही तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है इसका टाइप। तो सबसे पहले जैसे देखें, एक बार फिर से बोल देते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्पर्जन मीडियम किसको बनाया था, तो सॉलिड को बनाया था। तो सॉलिड में एक बार हम लोगों ने मिलाया सॉलिड को, फिर सॉलिड में लिक्विड को, फिर सॉलिड में गैस को, फिर हम लोगों ने डिस्पर्जन मीडियम किसको बनाया, तो लिक्विड को, फिर लिक्विड में सॉलिड को मिलाया, फिर लिक्विड में लिक्विड को मिलाया, फिर लिक्विड में गैस को मिलाया, एंड थर्ड में जो हम लोगों ने डिस्पर्जन मीडियम बनाया था किसको, तो गैस को। तो गैस, गैस में सबसे पहले हम लोगों ने क्या मिक्स किया, तो सॉलिड को मिक्स किया, फिर गैस में हम लोगों ने क्या मिक्स किया, तो लिक्विड को मिक्स किया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो हमारा गैस में अगर गैस को मिक्स कर दें तो इससे क्या बनेगा, गैस में अगर गैस को मिक्स कर दें तो क्या ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा क्या। नो डियर स्टूडेंट्स, गैस में अगर आप गैस को मिक्स करेंगे तो ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने डिस्पर्जन मीडियम गैस को तो बनाया, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज गैस को नहीं बनाया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस वीडियो को बनाने का पीछे का रीज़न यही है कि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, यहाँ से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सॉलिड में फिर गैस को मिलाया, डिस्पर्स फेज कौन है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि स्टार्च सॉल्ट जो है, स्टार्च सॉल्ट का अगर बात करूं, तो आप फट से पकड़ लेंगे क्या स्टार्च सॉल्ट कैसे बनता है। तो स्टार्च सॉल्ट जो होता है वो लिक्विड में जब सॉलिड मिलता है, स्टार्च क्या है, स्टार्च का जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड है, वो किस में घुला हुआ है, तो पानी में घुला हुआ है। तो आप झट से इसको पकड़ लेंगे कि अच्छा यहाँ पर जो है डिस्पर्स्ड फेज क्या है, तो लिक्विड है, एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या है, तो लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, तो लिक्विड है, एंड डिस्पर्स फेज क्या है, तो वो हमारा स्टार्च सॉल है। अगर वहीं पर अगर हम बोल दें आपको जैली, तो जैली को आप जैसे देखेंगे, आप अपने माइंड में इमेज बनाएंगे कि जैली क्या है, कि जैली में ज़्यादा सॉलिड है एंड थोड़ा सा पानी मिक्स है, थोड़ा सा क्या है, पानी मिक्स है, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा सॉलिड में
लिक्विड को मिक्स किया गया है। तो सॉलिड में जैसे ही आपने लिक्विड को मिक्स किया तो आप समझ जाएंगे कि क्या बना है, तो जेल बना है। अगर मैं बोलूं कि स्मोक, तो आप का माइंड तुरंत कहेगा कि देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है, तो स्मोक है। एंड स्मोक में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मतलब एयर में जब सॉलिड पार्टिकल्स होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉलिड एरोसोल। इस तरह से आप अपने माइंड में इसको रख के या खुद से पूछ, खुद के माइंड में जिसे पूछें, मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क किस में किसको मिलाया गया है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, इसको अगर आप अपने माइंड में अच्छे तरीके से चलाते हैं तो फिर इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। वरना ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। अगर इसको मैंने जैसे बताया है आप उसको अच्छे ढंग से दो बार तीन बार अगर आप देख लेते हैं एंड अच्छे तरीके से माइंड में इसको सेट कर लेते हैं तो फिर आपके माइंड में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।